140 करोड़ भारतीयों की नजरें जिस घटना को लेकर शर्म से झुक गई थी, उस मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके सड़क पर परेड करवाने वाले के मामले में आखिरकार सोशल मीडिया के दबाव के चलते पहली गिरफ्तारी हुई है। यहां पर ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक ये हरी वाली तस्वीर हरे टी शर्ट में जो लड़का नजर आ रहा है और एक ये नीली टी शर्ट में जो लड़का नजर आ रहा है। और मणिपुर पुलिस की तरफ से अब यह बताया गया है कि यह पहली गिरफ्तारी है और यही इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था। नाम हेरोदास इसका बताया जा रहा, उम्र 32 साल है। इसी शख्स ने महिला को पकड़ रखा था और जब इसकी पहचान उजागर हुई तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मेरी समझ से ये परे है कि ये मुख्य आरोपी क्या होता है, क्योंकि उस भीड़ में जितने भी आरोपी थे, जो जो वहां पर मौजूद था, चाहे वो उस महिला के प्राइवेट पार्ट्स को छूने वाले लोग हों, जिन्होंने पकड़ा था वो हों, जो कैमरा लेकर चल रहे थे वो, या जो उस भीड़ का हिस्सा थे, वो सभी लोग इस घटना के लिए उतने ही दोषी हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी होने के बाद कई सारे सवाल हैं जो बने हुए हैं। सवाल ये कि इस मानसिकता का क्या करें। हालांकि इस सब के बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपने इन वीडियोस को डाला है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे हटा दें, क्योंकि इसमें आप भी बुरी तरह फंस सकते हैं। पीड़ित की पहचान उजागर करने को लेकर और ज्यादा उकसाने को लेकर, इसके अलावा भी कई कारण है। कारण एक ये कि आने वाले टाइम में सरकार जो है वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइन भेजेगी, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो वीडियो रिमूव करना शुरू करेंगे। एक तो आपका अकाउंट जा सकता है, दूसरा अगर आप इस मामले में दोषी पाए गए कि आप दंगा भड़का रहे, क्योंकि आमतौर पर किसी घटना की अगर तस्वीरें वीडियोज आप डालते हैं तो ये चेन रिएक्शन होता है। एक पक्ष आक्रोशित होता है, वो बदला लेता है, उसके बाद फिर एक पक्ष बदला लेता है। और अगर आप वाकई में मणिपुर में शांति चाहते हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि इससे आप मामला जो है और ज्यादा खराब कर रहे हैं, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता जो है वो आप खराब कर रहे हैं। आप इसको लेकर विरोध जता सकते हैं, विरोध जताना भी हमें आपको है, लेकिन दंगे भड़का कर नहीं, विरोध ऐसा जताना है कि ये बात पहुंच जाए। खैर ये आपका अपना कॉल है, मुझे लगा कि आपको समझा देते हैं। लेकिन मुख्य आरोपी जो है उसने हरे रंग की टी शर्ट पहनी है, महिला को पकड़ रखा था, उसे आज सुबह सुबह गिरफ्तार किया गया। और पेची अवांग लिकाई का ये शख्स रहने वाला है, थाउबुल जिले से कहा जा रहा है, इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा पुलिस ये भी कह रही है कि आगे आने वाले वक्त में और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। ट्विटर को निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है कि आप जितने वीडियोस हैं वो हटा दिए जाए, ये एक घृणित कृत्य है और वीडियो में पहचान उजागर हो रही है। लेकिन मणिपुर की पहचान का क्या, क्योंकि अब तक 160 प्लस लोगों की मौत आधिकारिक रिकॉर्ड पे हो चुकी है, बिना आधिकारिक रिकॉर्ड के क्या आंकड़ा होगा वो? हालांकि एक सवाल पुलिस प्रशासन के लोगों पर भी है कि क्या पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मतलब जो अधिकारी हैं क्या उन पर भी एक्शन नहीं होना चाहिए। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 4 मई को थौबोल जिले में यह घटना हुई थी और 18 तारीख को कांगपोकपी में एक 0 FIR दर्ज करवाई गई थी। 18 मई से आज आप आ चुके हैं 19-20 जुलाई में और अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी। मई के बाद जून बीता, जून के बाद जुलाई आ गया, तकरीबन आपने 60 दिनों तक कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में पुलिस पर इल्जाम क्यों ना लगे कि पुलिस दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि दोषी एक तरफ के नहीं है, दोषी दोनों तरफ के हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि एक वीडियो सामने आया है, एक वीडियो के आधार पर आप कुकी समुदाय को लेकर अपने इमोशंस जारी कर रहे हैं, लेकिन मैतेई समुदाय के साथ भी वैसी घटनाएं हुई हैं। और यहां सवाल कुकी समुदाय का या मैतेई समुदाय का नहीं है। इस घटना को लेकर जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर आक्रोशित होकर जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मेरी चेष्टा रही है उस इंसानियत के शर्मसार होने को सवाल खड़ा करना। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कुकी, मैतेई, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सारे मसले देश में चलते रहेंगे, लेकिन इंसानियत नहीं मरना चाहिए। गैरत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए, इंसान के अंदर कुछ तो बचना चाहिए। मतलब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर कहां जाएगी दुनिया। सवाल पूछना जरूरी है, मणिपुर का बचना जरूरी है, भारत के लोगों की निगाहें शर्म से झुके ना, ये मेक श्योर करना जरूरी है और दोबारा यह घटना ना हो। अब इस पूरे मामले को लेकर अगर जानकारी आपको दें तो 4 मई को दोपहर 3 बजे कहा जा रहा है कि 800 से 1000 लोग जो हैं वो कांगपोकपी इलाके में घर में घुस गए। AK-47, SLR और इंसास और 303 राइफल जैसे मॉडर्न हथियार उनके पास थे, तोड़फोड़ की, हंगामा किया, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, जितने सामान थे वो लूटे। ये FIR के मुताबिक आपको बता रहे हैं। और इसमें जो हमलावर संगठन है उनके बारे में
स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमान जो लगाया जा रहा है, मैतेई युवा संगठन, मैतेई लिपुन, इसके अलावा कांग लेपाक कनबा, इसके अलावा आराम बाई तेंग गोल, और एक है विश्व मैतेई परिषद, अनुसूचित जनजाति मांग समिति वाले लोग, ये इतने संगठनों के नाम जो है बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है गांव में 5 लोग गांव के भी शामिल हैं जो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे थे, 2 पुरुष 3 महिलाएं, और उसी में से 3 लोग जो हैं एक परिवार के थे। 56 साल का व्यक्ति था जिसे शायद मार दिया गया, एक 19 साल का लड़का था, 21 साल की लड़की थी, 2 अन्य महिलाएं 41 और 52 साल की थी, और इसी में से 56 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 3 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, जंगल तरफ भागे थे, भीड़ के सामने नर्वस किया गया, और उसके बाद जो 21 साल की लड़की थी उसका सामूहिक बलात्कार सबके सामने दिन दहाड़े किया गया। 21 साल की जो लड़की थी उसके भाई ने जब बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। 2 महिलाएं जो थीं वो कुछ परिचित लोगों के मदद से, यानी 42 साल वाली, 52 साल वाली जो महिला थी वो चली गई, भाग गई, फिलहाल राहत शिविरों में है। 3 महिला जिसे भीड़ ने कपड़े उतारे वो इस वीडियो में नजर नहीं आई। हालांकि 3 में से एक महिला है उसने ये बताया कि जब ये घटना हो रही थी तो वहां 4 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, वो भी देख रहे थे, हालांकि उन्होंने भी मदद नहीं किया। इसके अलावा ITLF की तरफ से ये वीडियो जो है वायरल किया गया, ITLF का प्रदर्शन था, उसके बाद ये वायरल हुआ है, और उसके बाद समुदाय की दुर्दशा को उजागर कर रहे थे, हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया, फिलहाल मामला जो है वो बड़ा हो गया है। उधर एक और बात निकल कर आ रही है कि महिलाओं को यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है औजार की तरह, जैसे आरोप ये भी लग रहे थे कि जो कुकी समुदाय है वो भी जब प्रोटेस्ट करने जा रहा था तो महिलाओं को आगे कर देता था। हालांकि इन तमाम बातों से आप कहीं से भी इस घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बात सच है कि कुकी समुदाय ने भी अपनी महिलाओं को आगे लगाया ताकि पुलिस प्रशासन जो है उन पर अटैक ना करे, पुलिस जो है अगर वो कोई गलत काम भी करते हैं तो उन्हें रोके ना, लेकिन जो कुछ मणिपुर में हो रहा है वो शर्मसार करने वाला है, और शर्मसार इसलिए भी करने वाला है क्योंकि सरकारें जो हैं वो पूरी तरह से नाकाम रही हैं। 160 के आसपास लोगों की मौत, 6000 के आसपास मामले दर्ज, 5000 से ऊपर आगजनी घटनाएं, तकरीबन 7000 लोग कुल मिलाकर हिरासत में, और 60000 लोग जो हैं वो बेघर हो गए। अब इतनी बड़ी घटना हुई और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है, तो फिर नैतिकता की दुहाई देश में बंद कर देनी चाहिए। सरकार से हमारी अभी भी अपील है, मणिपुर को बचा लें आप।